प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नए और तरीन वीडियो में। दोस्तों, जहां हम आपको अपने वीडियो के जरिए फिल्मों से जुड़ी जानकारियां देते हैं, बॉलीवुड की से रिलेटेड जानकारियां देते हैं, पर्दे के पीछे की जानकारियां देते हैं। दोस्तों, इसी वीडियो में आज आपको हम बताएंगे सलमान खान के शुरुआती 5 साल के करियर पर नजर डालते हैं कि उनकी मूवी कितनी हिट हुई और कितनी कमाई करी, पूरे वर्डिक्ट के साथ बताएंगे। दोस्तों, बस आपसे गुजारिश की वीडियो को पूरा देखें। आप हमारे चैनल या पेज पर रहे तो उसे फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सलमान खान 90 के दशक के सबसे सक्सेसफुल एक्टर में से एक है। राजश्री की मैंने प्यार किया फिल्म के प्रेम बनकर उन्होंने अपने दौर का आगाज किया। लेकिन क्या आपको ये जानकारी है कि करियर की शुरुआत में 5 साल के भीतर भाईजान की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में गर्दा उड़ाया था। तो दोस्तों, फिटनेस और चॉकलेटी बॉय के तौर पर सलमान खान ने बॉलीवुड की इंडस्ट्री में आगाज किया था। निर्देशक जेके बिहारी की बीवी हो तो ऐसी फिल्म से डेब्यू करने के बाद भाईजान को राजश्री प्रोडक्शन की मैंने प्यार किया ने फिल्म ने रातों रात सुपरस्टार बना लिया था। इसके बाद सलमान खान का जादू इस कदर चला कि 5 साल तक उनकी चुनिंदा फिल्मों ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दिया था। तो आइए जानते हैं उन सब मूवीज के बारे में। दोस्तों, बतौर लीड एक्टर पहली मूवी थी मैंने प्यार किया, जो कि सन 1989 में निर्देशक सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में सलमान खान और भाग्यश्री जैसे कलाकार लीड रोल में मौजूद थे। सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ सलमान खान की जुगलबंदी इसी मूवी से शुरू हुई और लंबे अरसे तक चली। दोस्तों, मैंने प्यार किया की कहानी और गानों ने फैंस के दिलों को आसानी से जीत लिया और फिल्म की सफलता से सल्लू मियां के करियर में जबरदस्त उफान आया और बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ का कारोबार किया। दोस्तों, उस समय 1 से 3 करोड़ में मूवी बन जाती थी। आप सोचिए कि 14 करोड़ की कमाई करने वाली भी जबरदस्त ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। दोस्तों, दूसरी मूवी थी बागी। मैंने प्यार किया की अपार सफलता के बाद सलमान खान का कारोबार शुरू हुआ और इसके बाद 1 साल बाद बागी जैसे धमाकेदार हिट मूवी थी। डायरेक्टर दीपक सिवदासानी की इस फिल्म ने सलमान खान के साथ एक्ट्रेस नगमा लीड रोल में नजर आई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल करते हुए 14 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था। दोस्तों, तीसरी मूवी थी सनम बेवफा, जो की सन 1991 में निर्देशक श्यामल कुमार टाक की फिल्म सनम बेवफा से सलमान खान ने हिट फिल्मों की हैट्रिक लगा दी। मल्टी स्टारर इस फिल्म में उनकी एक्टिंग का अलग लेवल देखने को मिला। बात बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई के बारे में की जाए तो वो 5.5 करोड़ की जबरदस्त कलेक्शन किया और एक हिट मूवी की कैटेगरी में आती है। दोस्तों, अगली मूवी है साजन। दोस्तों, बैक टू बैक 3 हिट फिल्में देने के बाद सलमान खान के करियर पर कुछ ब्रेक लगा। कुर्बान, पत्थर के फूल और जैसी मूवीज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन इसकी भरपाई उन्होंने फिल्म साजन की अपार सफलता के जरिए कर डाली। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के साथ सलमान ने इस मूवी के जरिए दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ का कलेक्शन किया। दोस्तों, अगली मूवी है हम आपके हैं कौन। साजन के बाद सलमान खान की हिट फिल्मों का सिलसिला एकदम से थम सा गया और उनकी लव, सूर्यवंशी, जागृति, निश्चय, एक लड़का एक लड़की, चंद्रमुखी और दिल तेरा आशिक जैसे 7 फिल्मों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। लेकिन फिल्म फिर राजश्री की हम आपके हैं कौन के जरिए सलमान खान ने जोरदार कमबैक किया और ये मूवी हिंदी सिनेमा की एक कल्ट क्लासिक मूवी में शुमार की जाने लगी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 72.74 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ कारोबार किया और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। दोस्तों, तो ये थी सलमान खान की शुरुआती 5 सालों के करियर की जानकारी। ऐसे और वीडियो लेकर हाजिर होते रहेंगे। बस आपसे गुजारिश है हमारे चैनल और पेज को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।